नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। पिछले दिनों 48 घंटे की जो तेज़ बारिश आई थी, उसके वजह से कुनार नदी पे भीषण बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के कारण DVC बोकारो थर्मल का बैरेज बना हुआ था, जिसका 4 गेट टूट गया है। गेट टूटने के वजह से सिसल कथारा क्षेत्र का जो रिवर साइड है, वहाँ से पानी सप्लाई बंद हो गया है। पानी सप्लाई बंद होने के कारण करीब 50,000 आबादी इससे प्रभावित हो रही है। वहीं कथारा वासरी प्लांट कल से ही वो बंद पड़ा हुआ है। इस संबंध में परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि रोज़ 1,000 टन का उत्पादन होता था, जो प्रभावित हो रहा है। और कब तक यह प्रभावित होगा अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पानी का जो धार है वो जब तक बंद नहीं होगा और बैरेज का गेट नहीं बनेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। कथारावासरी रिवर साइड का पानी लेयर डाउन होने के कारण सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कॉलोनी कथारावासरी सप्लाई सब अभी बंद है। BTPS का गेट का टूटने के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम आया है। पानी कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? पानी IBM कॉलोनी, 4 नंबर सब स्टेशन कॉलोनी, भुरकुंडवा बस्ती, 2 नंबर कॉलोनी, 3 नंबर कॉलोनी, सब मीठे हॉस्पिटल कॉलोनी, कुछ पानी कब तक मिलेगा सर? ऐसा बात है ना, पानी कब तक, जब तक गेट नहीं बन पाएगा, जब तक पानी डैम में होल्ड नहीं करेगा, जब तक हम लोग का लेयर में पानी नहीं आएगा, तब तक पानी देने का कोई संभावना नहीं है। हम लोग कोशिश में लगे हुए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।